फ्रेंड्स, चारों माथे रसोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है, तीजों का त्यौहार, राखी का त्यौहार आने वाला है। सो हम आज सावन स्पेशल घेवर रेसिपी बनाना देखेंगे। जी हाँ, घेवर को घर पे कुछ टिप्स के साथ अच्छे से बनाया जा सकता है। सो आइए देख लेते हैं हमें घर पे ही घेवर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। सो हमें घेवर बनाने के लिए हमने ये सामान लिया हुआ है। ये हमने एक कप मैदा लिया हुआ है नाप के, एक चम्मच हमने बेसन लिया हुआ है, एक नींबू का रस है, दो टेबल स्पून हमने ये देसी घी लिया हुआ है और कुछ हमें 3 से 4 आइस क्यूब चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं अपना घेवर बनाना। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में 3 से 4 आइस क्यूब लेंगे और अपना जो हमने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया हुआ है उसको ऐड करेंगे और इसको हम चला लेंगे। चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो यह हलवाई जो बनाते हैं इसे, वो इसको हाथ से ही करके बनाते हैं, लेकिन हाथ से करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम इसको मिक्सी से फटाफट चला लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको मिक्सी में चला लिया है और हमारा घी एकदम एक क्रीम की तरह बर्फ के साथ, आइस क्यूब के साथ मिलके हो चुका है। अब हम इसमें ही अपना जो हमने मैदा लिया है इसको धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। हमें सारा मैदा एक बार में नहीं डालना है, हम इसको 2 बार में करके ऐड करेंगे। हमने ये ठंडा पानी लिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे और इसका एक घोल बना के हम तैयार कर लेते हैं। इसको हम वापस से चला लेंगे। ये देखिए, हमारा एकदम एक लिक्विड बनके तैयार हो गया है। अब हम अपना बचा हुआ मैदा इसमें ऐड करेंगे और एक बार इसको हम वापस से थोड़ा पानी ऐड करके चला लेंगे। पानी हमें इसमें ठंडा ही लेना है, हमें इसमें नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करना है। देख सकते हैं हमारा एकदम पतला घोल बनके एकदम तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें जो अपना ये एक चम्मच बेसन लिया हुआ है 1 टेबल स्पून, उसको हम ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने का हमारा मोटिव है, इससे हमारा कलर जो होता है बेसन का वो बहुत ही अच्छा आता है। और जो हमने नींबू का रस लिया हुआ है एक, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको एक बार से चला लेते हैं। सो हमारा ये देख सकते हैं घोल एकदम बनके तैयार हो चुका है। हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं हमने अपने बैटर को निकाल लिया है और हमने 2 से 3 आइस क्यूब इसमें डाल दिए हैं, जिससे ये बैटर हमारा ठंडा का ठंडा ही रहेगा। हमारा जो बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। हमें इसके लिए थिक बैटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ आइस क्यूब अपने इस बॉल में रखेंगे, जिससे कि हम ये बॉल इसके अंदर सेट कर पाए। देख सकते हैं मैंने एक बॉल में कुछ आइस क्यूब रख लिए हैं और इसके ऊपर अपना हम ये बॉल सेट कर देंगे, जिससे ये हमारा बैटर ठंडा का ठंडा ही रहना चाहिए। हमें ये बैटर ठंडा ही चाहिए होता है जब तक हमें अपने घेवर बनाने होते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने घेवर बनाना। उसके लिए हम घेवर बनाने के लिए हमने ये एक जो हमारा सॉस पैन आता है उसका हमने यूज किया है। आपके पास कोई भी इस तरीके का बर्तन तो उसी का आप यूज करिएगा, क्योंकि इसके हमारे इसी शेप के घेवर बनके तैयार होंगे। या फिर अगर आपके पास जो साचा जिसमें बाजार वाले घेवर बनाते हैं वो हो, वो एक गोल रिंग होता है जिसको वो इस ऑयल में सेट कर देते हैं और उसी के अंदर वो अपने घेवर के बैटर को पोर करते जाते हैं, जिससे हमारा वो घेवर उसी शेप में बनके निकलता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो साचा नहीं है तो हमने इसलिए ये सॉस पैन लिया है जिसका शेप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारे घेवर इसी साइज के बनके तैयार होंगे। हमें इसके लिए सबसे मेन चीज़ है, हमारा जो तेल होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये बैटर ठंडा है। हम जैसे ही इसमें डालेंगे उसमें से तेल स्प्लैश होगा, और अगर हमारा तेल ठंडा नहीं होगा तो हमारा बैटर वहीं नीचे के नीचे चिपक जाएगा, जम जाएगा, उसमें जाली नहीं पड़ेगी। हमें अपना बैटर ठंडा इसलिए भी रखना होता है जिससे इसमें अच्छे से जाली पड़ सके जब हम इसको तेल में पोर करें। आप देख सकते हैं हमारा तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, क्योंकि मुझे इसे सिम गैस पे रखे हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं अपने घेवर बनाना। उसके लिए हमने एक बूंद इसमें डाल के देखी है कि हमारा तेल अच्छा गर्म हो चुका है या नहीं। हमारा तेल काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर को पोर करेंगे। हम लेडल की मदद से ही थोड़ा थोड़ा बैटर हमें डालना है इस तरीके से सेंटर में। ये देखिए ऐसे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से तेल की छींटे बाहर नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही हमारी ये नीचे बैठ जाएगा तब हम इसमें अपना दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर और पोर करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर करके ही पोर करना है, सारा बैटर एक साथ पोर नहीं करना है।
और सेंटर में से ही हमें इसे इस तरीके से पोर करना है। इस तरीके से हमें धार बनाते हुए इसे छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं तेल हमारा कितना ऊपर तक आ जाता है, इसीलिए हमें तेल इसको पूरा ऊपर तक नहीं भर के लेना है। हमें 3/4 ही अपने बर्तन में तेल को फिल करना है या घी में, घी से बना रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, वरना वो ऊपर तक आ जाएगा और वो बाहर निकलने के भी चांसेस होते हैं। कोई भी हम इस तरीके की चीज़ ले लेंगे जो राउंड हो शेप में, और उससे हम इसके बीच में एक होल कर देंगे इस तरीके से, जिससे हम इसको बाद में बाहर निकाल सकें। हमें अपनी फ्लेम भी तेज पे ही रखनी है, क्योंकि हमारा तेल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, तेल भी हमारा साथ के साथ गर्म ही रहना चाहिए। हम एक नाइफ की मदद से इसके किनारे इस तरीके से हल्के से, बहुत हल्के हाथ से हमें इस तरीके से छुटा देंगे, जिससे हमारा घेवर नीचे सेटल हो जाएगा और अच्छे से वो कुक हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा एक घेवर अच्छे से बन के सिक्के तैयार हो चुका है। इसको हम बीच में से होल में से ही इस तरीके से निकाल लेंगे। हमने ये जाली ली है, जो हमारे आटा छनने वाली जाली होती है, हमने उसको यूज़ किया है। आप कोई भी स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं। हम उसके ऊपर इसे रखते जाएंगे, जिससे कि इसमें से जो हमारा एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। आइए अब हम इसी तरीके से और घेवर बना के तैयार कर लेते हैं। हम अपने तेल को पहले अच्छा गर्म होने देंगे, उसके बाद ही हम अपने बैटर को पोर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, हमारा बैटर एकदम चिल्ड होना चाहिए और तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। हमारा तेल दूसरा घेवर डालने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। आइए हम इसमें धीरे धीरे करके अपने बैटर को पोर करेंगे। देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से ही हमारे बुलबुले आने चाहिए जब हम बैटर पोर करें, तभी हमें पता चलता है कि हमारा तेल अच्छा परफेक्टली गर्म है। और जब ये सेटल डाउन हो जाए हमारे बबल, तभी हम दोबारा से बैटर को पोर करेंगे। देख सकते हैं हमारे इतने बैटर से 4 घेवर बनके तैयार हुए हैं, और सारे के सारे ही एकदम परफेक्टली हमारे बनके तैयार हैं। तो आइए इसके लिए अब हम एक तरफ चाशनी बना के तैयार करते हैं, क्योंकि हम घेवर को 2 तरीके से खा सकते हैं। एक तो मार्केट में चाशनी वाले मिलते हैं, जो कि थोड़े लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं। दूसरे हमारे को रबड़ी वाले मिलते हैं, जिसको हमें 2 से 3 दिन के अंदर ही ख़त्म करना होता है, क्योंकि अगर उन्हें हम स्टोर करेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो हम दोनों तरीके से ही घेवर बनाते तैयार करते हैं। हम चाशनी वाले घेवर बनाएंगे और इंस्टेंट रबड़ी बना के तैयार करेंगे, और फिर उसके ऊपर से हम पोर करेंगे। इंस्टेंट रबड़ी के लिए हमने 1 ग्लास दूध लिया हुआ है, 1/2 कप हमने ये मिल्क पाउडर लिया हुआ है, 3/4 कप हमने ये शुगर ली हुई है, और कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि चिरौंजी है, काजू है और पिस्ता है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। तो हम आइए इंस्टेंट रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने जो अपना दूध लिया हुआ है इसको पोर करेंगे। आप चाहें इसको नॉर्मल जो हमारी दूध की रबड़ी होती है वो भी बना के तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि हमें सिर्फ दूध को ही सुखा के थिक करना है, और उसके ऊपर जो हमारी लेयर जमती जाती है रबड़ी की, उसको अलग कर लेना है। लेकिन आज हम इसके ऊपर इंस्टेंट रबड़ी बना के ही तैयार करेंगे। दूध को एक बॉयल आने देते हैं, उसके बाद ही हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसमें हमने जो अपना मिल्क पाउडर लिया हुआ है उसको इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई भी हमारे लम्प्स नहीं रहे। कभी हमारे पास रबड़ी बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि दूध से रबड़ी बनाने में हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। उसमें हमें लगभग 40-45 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप रबड़ी को 10 मिनट्स में बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें हम 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने जो अपने ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं उसमें से हम थोड़े अभी डाल देंगे, बाकी हम इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। रबड़ी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप इसको स्पैटुला या स्पून पे लेके देखें तो उस पे ये कोट रहनी चाहिए, उससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यही हमारी इंस्टेंट रबड़ी की पहचान है। तो आइए इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं और अपनी चाशनी तैयार करते हैं। पैन ले लिया है, इसमें हमने जो अपनी 3/4 कप शुगर ली हुई है वो ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें। 1/2 कप पानी इसमें
ऐड किया है, इसमें अब हम अपनी शुगर को ऐड करेंगे और हम इसकी वन थ्रेड कंसिस्टेंसी की चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। हमें इसके लिए एक तार की चाशनी की जरूरत होगी। अपनी चाशनी में थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देंगे जिससे इसका अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा कार्डेमन पाउडर भी ऐड कर देंगे, लगभग 1 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं इसको। हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। हमें इसके लिए एक तार की चाशनी चाहिए। उसके लिए हम इसको चम्मच से इस तरीके से गिराएंगे तो आखिर में हमारा एक तार सा बनना चाहिए गिरते हुए, जो कि आप देख सकते हैं इसमें बन रहा है। और दूसरा, हम इसको इसकी एक बूंद को हाथ पे लेके चिपका के देखेंगे इस तरीके से, तो हमारा बीच में तार आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हरी चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम अपने घेवर को पहले चाशनी से डिप कर लेते हैं। इस तरीके से एक घेवर लेंगे और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा चाशनी इसके ऊपर नहीं डालनी होती है, वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमें इसकी क्रंचीनेस बनाने के लिए बस हल्की हल्की पूरे में थोड़ी थोड़ी जगह जगह चाशनी इस तरीके से ड्रॉप करनी होती है। चाशनी वाले घेवर बन के तैयार हैं। इसके ऊपर हल्का सा ड्राई फ्रूट इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से किसी भी कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो खाने में। आइए अब हम घेवर अपना मलाई वाला बना के तैयार करते हैं। इसके ऊपर भी पहले हम चाशनी डालेंगे थोड़ी, और हमने जो अपनी ये इंस्टेंट रबड़ी बना के तैयार करी है वो भी इसके ऊपर पोर कर देंगे। इसके ऊपर हल्का सा इसके को स्प्रिंकल कर देंगे। ये हमारा मलाई घेवर बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई हुई घेवर की रेसिपी पसंद आएगी। आप अगर मेरे वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे, उसमें जो मैंने टिप्स बताई हैं, जैसे कि मेजरमेंट हमारा जो भी सामान का होना चाहिए, हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी, हमारा बैटर कितना ठंडा होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से घर पे घेवर बना के तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने घेवर ट्राई किया या नहीं। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।